हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के हिंदी माध्यम के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म डॉक्टनेट पर। और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। बच्चों, आप सभी के बहुत डिमांड्स पर हम लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स बुक 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूं तरलों के यांत्रिक गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11 फिजिक्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसका हम वन शॉट क्लास देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हम आपको वन बाय वन समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए, अगर आप सभी बच्चे तैयार हैं तो आज की यह महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सारे बच्चों को बोल देना चाहता हूं कि बच्चों, कि अगर आप चाहते हैं 11th की पूरी फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, आगे आप नीट की, जेई की क्लासेस चाहते हैं फिजिक्स की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास को लाइक करना, कमेंट्स करते रहिए क्लासेस आपको कैसी लग रही है, आगे आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए, ये सारी बातें आप इस चैनल पर बिल्कुल करते रहिएगा। और साथ ही साथ बच्चों, आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आफ्टर क्लासेस हम यहां पर आपको उपलब्ध कराते हैं हमारे लाइव क्लासेस की पीडीएफ्स, क्लास की नोटिफिकेशंस भी जाती है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती है बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिएगा। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट क्लास तरलों की यांत्रिक गुण का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों तरल की, तरल या फ्लूइड की। तो तरल होता क्या है या फ्लूइड होता क्या है? तो यहां पर मैं अगर तरल का आपको अर्थ समझाऊं तो तरल का अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है प्रवाह से होता है, प्रवाह, जिसे हम इंग्लिश में फ्लो कहते हैं, फ्लो। ठीक है, तो तरल के लिए मैं सिंपल बोलना चाहूं शब्दों में तो बोल सकता हूं कि तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है, जो बहते हैं वो होते हैं बच्चों तरल। ठीक है, जैसे द्रव और गैसें हैं। ठीक है, जैसे द्रव और गैसें हैं, तो यहां पर हम तरल को समझेंगे। तरल को समझने से पहले ये बात तो आपको मालूम है, सामान्य जो पदार्थ होते हैं बच्चों तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और यहां पर तरल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रवाह। द्रव और गैस में बहने का गुण होता है, अतः दोनों को हम तरल कह सकते हैं, या सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं बच्चों, तरल कहते हैं। किसे? द्रव को और गैस को, क्योंकि तरल का अर्थ ही होता है प्रवाह या फ्लो। ठीक है, तो ये दोनों द्रव और गैस जिसमें बहने का गुण होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, तरल कहलाते हैं। तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जिस पात्र में डाले जाते हैं उसी की आकृति को क्या कर लेता है बच्चों, तरल ग्रहण कर लेता है। तो तरल समझ में आया होगा, जिसमें बहने का गुण होगा वो तरल, द्रव भी है गैस भी है, दोनों को सम्मिलित रूप से हम तरल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रणोद थ्रस्ट। प्रत्येक द्रव का मौलिक गुण होता है कि वह सदैव संपर्क पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, कि वह सदैव संपर्क पृष्ठ के लंबवत उस पर बल आरोपित करते हैं। किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रणोद। बिल्कुल सिंपली इसको समझिएगा, अगर ये हमारे पास में एक पात्र है और इस पात्र में द्रव भरा हुआ है, ठीक है, एक पात्र है बच्चों, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, ये कुछ इस तरह से, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है, तो ये जो द्रव के कण होंगे वो इस पात्र की, ठीक है, इस पात्र के बच्चों दीवारों पर, इस पात्र की किधर बच्चों, इस पात्र की दीवारों पर, ये इस पात्र की दीवारों पर, इस पात्र के लंबवत नीचे की ओर इस तरह से बल लगाएंगे ना, ये सारे कण इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, ये सब बल लगाएंगे इस पात्र की दीवारों पर, इस पात्र के नीचे की ओर बल लगाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रणोद कहेंगे। मतलब ये है कि द्रव के संपर्क पृष्ठ के लंबवत उस पर बल आरोपित करता है, बोलता है प्रत्येक द्रव में यह गुण होता है कि जिस पृष्ठ से वो कनेक्ट रहेगा उस पर एक लंबवत बल आरोपित करेगा, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम प्रणोद कहेंगे। ठीक है, यह संपूर्ण बल ही क्या कहलाता है, प्रणोद या थ्रस्ट कहलाता है। यह सदिश राशि है, सीजीएस मात्रक डाइन और एसआई मात्रक न्यूटन। तो प्रणोद एक तरह से बल ही तो है जो किसी द्रव के, ठीक है, जो संपर्क वाला पृष्ठ है उस पर आरोपित हो रहा है, द्रव के द्वारा द्रव को जिस बर्तन में रखा गया उसके संपर्क पृष्ठ पर आरोपित बल, यह कहलाता है बच्चों प्रणोद। तरल दाब, फ्लूइड प्रेशर,
किसी तरल द्वारा प्रतिकांग क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। लंबवत बल बटा क्या आ जाता है बच्चों, क्षेत्रफल। दाब को हम P से डिनोट करेंगे, P इज इक्वल टू लंबवत बल F बटा क्षेत्रफल मान के चलते हैं A पर, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर किसी तरल द्वारा A क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F बाई A हो जाएगा, F बाई A हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू F बाई A। इसका मात्रक ठीक है, दाब का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। विमा निकालेंगे तो फार्मूले से निकालेंगे, P इज इक्वल टू F बाई A से। F के लिए एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा। एरिया के लिए हो जाएगा बच्चों L का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। एम एल इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, टी इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये हमेशा याद रखना। अब तरल दाब, तरल द्वारा किसी प्रतिकांग क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को हमने तरल दाब कहा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। दाब की संकल्पना से संबंधित दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण एक नीचे दिए जा रहे हैं, बोलते हैं सर्कस। अब देखिए, मैं आपके डेली लाइफ रूटीन लाइफ का ही एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेके चल रहा हूं बच्चों, सर्कस। सर्कस का खेल आप सभी बच्चों ने देखा है। सर्कस का खेल अगर आपने, हो सकता है कि आपने लाइव देखा होगा, लाइव देखने का मतलब यह है कि आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा या फिर टीवी या मोबाइल में देखा होगा। सर्कस में एक खेल होता है जिसमें सर्कस का कलाकार जमीन पर पीठ के बल लेट जाता है, मतलब पीठ के बल लेटता है और फिर उसके छाती पर, ठीक है, लकड़ी का बड़ा हल्का और मजबूत तख्ता रखा जाता है, ठीक है। ये पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, कुछ बच्चों ने देखा ही होगा। सर्कस का जो कलाकार रहता है बच्चों, जमीन पर लेट जाता है, फिर उसके छाती पर क्या रखते हैं, लकड़ी का एक तख्ता रखते हैं, ठीक है, एक तख्ता हल्का रहता है, मजबूत तख्ता रखते हैं। हाथी जो होता है वो तख्ते में से होकर गुजर जाता है, हाथी अपना पैर उस तख्ते में से होकर रखता है और गुजर जाता है, फिर भी, ठीक है, फिर भी क्या होता है बच्चों, वो जो कलाकार रहता है उसको कोई चोट नहीं लगती, ठीक है, किंतु कलाकार क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब यदि तख्ते को हटा दे और छाती पर हाथी के पैर पड़े तो क्या होगा, सिंपल सा है ये चीज, बहुत सारे बच्चों का देखा हुआ होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का देखा हुआ है ये चीज कि जब हम देखते हैं सर्कस का कलाकार अपनी छाती पर लकड़ी का तख्ता रखता है और हाथी अपने पैर रखते हुए उसे पार कर जाता है तो उस कलाकार को कोई चोट नहीं लगती। मगर आप सोचो बच्चों कि अगर वो लकड़ी का तख्ता हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उस कलाकार की जितनी भी हड्डियां है ना, पसलियां हैं, वो सारी के सारी क्या हो जाएगी बच्चों, टूट जाएगी, ठीक है, पसलियां टूट जाएगी, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अब ऐसा क्या हो रहा है, वो लकड़ी का तख्ता ऐसा क्या काम कर रहा है, देखो यहां पर अभी हमने दाब के लिए फार्मूला बताया बच्चों, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, बल बटा क्षेत्रफल, ये देखे हमने। यहां से देखिए तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका अर्थ समझे व्यतक्रमानुपाती, व्यतक्रमानुपाती है मतलब एरिया अगर कम होगा बच्चों तो दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, दाब क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और इसी को फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एरिया अधिक हुआ, एरिया कैसे हुआ बच्चों, अगर अधिक हुआ तो दाब क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो होता यही है, पहली स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, लकड़ी का तख्ता रखते हैं बच्चों तो सीने के पास का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, दाब का मान क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, ठीक है, जिससे कलाकार सुरक्षित रहता है। अगर लकड़ी के तख्ते को हटा देंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा, कलाकार सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये साइंस उसके पीछे होता है जिसके कारण कलाकार क्या रह जाता है बच्चों, सुरक्षित रह जाता है, ठीक है, कलाकार क्या रह जाता है बच्चों, सुरक्षित। या ऐसा भी खेल देखे होंगे कि सीने में बहुत बड़ा पत्थर रखते हैं फिर उसको एक औजार की सहायता से तोड़ा जाता है, ऐसा भी देखा होगा, रीजन सेम होता है बच्चों, यही रीजन होता है, ठीक है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल में, सूटकेस और बैगों का हत्था चौड़ा बनाया जाता है, सूटकेस या बैग, आपकी स्कूल बैग का भी देख लेना, कोई भी ट्रेवलिंग बैग का देख लेना, ठीक है, जो उसका हैंडल होता है पकड़ने का बच्चों, वो हैंडल कैसे बनाया जाता है, उस हैंडल को चौड़ा बनाया जाता है। क्यों ऐसा बनाया जाता है, सूटकेस और बैगों का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ताकि उन्हें
उठाने पर हाथ पर कम दाब आरोपित हो। ठीक है, चौड़ा बनाने से क्या हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। फिर से एक बार देखो हमारे पास फार्मूला होता है, फिर से एक बार सुनिएगा बच्चों, हमारे पास फार्मूला होता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया अधिक रहा, क्षेत्रफल कैसा हुआ बच्चों, अगर अधिक हुआ, क्षेत्रफल कैसा हुआ बच्चों, अगर अधिक हुआ, क्षेत्रफल अधिक हुआ तो दाब क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो सूटकेस और बैगों का हत्था चौड़ा बनाया जाता है ताकि उन्हें उठाने पर दाब कम दाब आरोपित हो। क्या हो बोलता है बच्चों, कम दाब आरोपित हो। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले हमारी परिभाषा की ओर, घनत्व डेंसिटी। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन। वस्तु का आयतन अगर v आयतन का द्रव्यमान m हो तो घनत्व के बराबर रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ये हम लिख सकते हैं। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो जी, जबकि v आयतन का द्रव्यमान m है इसलिए एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m अपॉन वी। और एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक kg और आयतन का मात्रक बच्चों मीटर। विमा की बात की जाएगी बच्चों तो विमा क्या लिखेंगे हम, एम एल इनवर्स क्यूब, एम एल इनवर्स क्यूब, ये हम इसकी विमा लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये हम इसकी विमा लिखेंगे। आगे हमारे पास है किसी गहराई पर द्रव का दाब, किसी गहराई पर द्रव का दाब निकालना है हमको। प्रेशर ऑफ लिक्विड एट सर्टेन डेप्थ, किसी गहराई पर द्रव का दाब के लिए व्यंजक निकालना है। देखो मैंने एक बर्तन लिया हुआ है बच्चों, ठीक है, मैंने एक बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन के अंदर में, ठीक है, इस बर्तन के अंदर में हमने एक बेलनाकार वस्तु ले लिया, बेलनाकार एक कोई भी वस्तु ले लिया है। ठीक है, और इसमें क्या भरा रहेगा बच्चों, इसमें द्रव भरा रहेगा। चलिए इसमें हम पहले तो द्रव बना देते हैं, यहां पर इसमें भरा हुआ रहेगा क्या चीज, द्रव, लिक्विड भरा रहेगा पूरा इसमें। ठीक है, इसमें इस तरह से लिक्विड, इस तरह से पूरा द्रव भरा रहेगा, अंदर में भी रहेगा बिल्कुल, हाँ इसके अंदर में भी हम इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये अब हमें किसी गहराई पर द्रव का दाब निकालना है। ठीक है, ये तो गहराई पर द्रव का दाब, देखो ध्यान से समझिए ना, गहराई पर द्रव का दाब, गहराई पर द्रव का दाब, ठीक है, ये बराबर होगा बच्चों बेलन के आधार, बेलन का जो आधार है, जो अंदर हमने काल्पनिक, ये कल्पना की एक बेलन का, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और ऊंचाई h है। हमने एक कल्पना किया हुआ एक बेलन का बच्चों, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और हाइट कितनी है, h है। तो यहां हम बेलन के आधार पर, बेलन के आधार पर क्या निकालेंगे, प्रणोद, क्या निकालेंगे बच्चों, प्रणोद। प्रणोद मतलब क्या होता है, बल, प्रणोद या बल। ठीक है, बेलन के आधार पर प्रणोद, तो ये जो बल होगा बच्चों F, ये किसके बराबर होगा, ये बेलन के भार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, ये बेलन के भार के बराबर होगा, ये बल बेलन के भार के बराबर होगा। तो बेलन का भार निकालेंगे कहां से हम, भार, जबकि भार W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, द्रव्यमान गुना आयतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुना, सॉरी, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान से समझिएगा ना, गुरुत्वीय त्वरण। ये द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं लिखूंगा आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व लिख सकता हूं, इसलिए तो घनत्व बताया था आपको, आयतन गुना घनत्व लिख सकता हूं। गुना हो जाएगा बच्चों गुरुत्वीय त्वरण को, मैं यहां पर जी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, ये तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या लिखेंगे हम, बेलन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई को a से और क्षेत्रफल ऊंचाई को किससे, h से।
आयतन कैसे निकालें, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई को और ऊंचाई किसको बच्चों, एच को प्रदर्शित कर रहा है तो एच हो गया। इस द्रव का घनत्व निकालना होगा, इस द्रव का घनत्व मान के चलते हैं इसकी डेंसिटी डी है और गुरुत्वीय त्वरण कितना है बच्चों, जी है, तो एच डी जी। ये क्या निकाला है, गहराई पर द्रव का दाब निकालने से पहले हमने बेलन के आधार पर क्या निकाल लिया बच्चों, प्रणोद निकाल लिया, ठीक है, बेलन के आधार पर प्रणोद। इसको देखो, सॉरी इसको ऐसे लिखो, अभी सॉरी द्रव का दाब नहीं निकला, अभी हमने क्या निकाला बच्चों, सबसे पहला काम किया हमने बेलन के आधार पर प्रणोद निकाल लिया। अब गहराई पर द्रव का दाब, अब निकालूंगा ना, इसको हटा देता हूं यहां पर, अब निकालेंगे हम दाब, अतः दाब बराबर क्या आएगा बच्चों, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्या आ जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल, बल कितना आ गया एच डी जी और क्षेत्रफल आ गया बच्चों ए, तो ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, ए जो है ए से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमें दाब, ठीक है, दाब पी से एच डी जी फार्मूला मिल जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच डी जी, किसी गहराई पर द्रव का दाब एच डी जी, एच डी जी, ये हमारे पास किसी गहराई पर द्रव के दाब के लिए फार्मूला मिल जाएगा। तो याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि गहराई पर द्रव का दाब कितना होता है, तो किसी गहराई पर द्रव का दाब होता है बच्चों एच डी। आगे बढ़ेंगे पास्कल का नियम, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बच्चों पास्कल लॉ या पास्कल का नियम। इस नियम अनुसार यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दे बोलता है तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। इस नियमानुसार यदि हम गुरुत्व की उपेक्षा करें, मतलब गुरुत्व मतलब क्या है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण है, यह गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी अगर हम उपेक्षा कर दें तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होता है उसका मान कैसा होता है बोलता है, एक समान होता है। अथवा बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब, बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचरित हो जाता है, ये चीज बताया गया है, ठीक है, ये चीज बताया गया है। चलिए इसे हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है, दाब एक समान होता है कि नहीं। तो पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति में आ गए बच्चों हमने, ठीक है, अब आगे बढ़ गए हम, ठीक है, पास्कल के नियम की व्युत्पत्ति में देखो यहां पर एक बर्तन लिया है हमने, ठीक है, इस बर्तन में इस बर्तन में फिर से हम, ठीक है, सबसे पहले तो हम द्रव ले लेंगे इस तरह से, ये बच्चों इस तरह से अपन इसमें द्रव ले लेते हैं, इस द्रव के अंदर दो बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु O1 एक बिंदु O2, इस द्रव के अंदर क्या ले रहे हैं बच्चों हम, दो बिंदु, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा दो बिंदु लिए O1 और O2, फिर O1 O2 को अक्ष मानकर हमने एक बेलन की कल्पना किया, किसकी कल्पना किया बच्चों, एक बेलन की कल्पना किया। अब इस बेलन पर, ठीक है, बेलन के जो पृष्ठ है बच्चों इस पर जो लगने वाले बल होंगे इधर ये एफ F, और इधर से जो बल लगेगा एफ एफ, ये एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है, परिमाण में समान होते हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, समाप्त कर देंगे। तो मतलब इसके पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब द्रव संतुलन की स्थिति में रहेगा। हम मान के चलते हैं कि सरफेस जो है, जो समतल वृत्ति पृष्ठ है जिस पर बिंदु O1 है, O1 की ओर लगने वाले बल का मान F1 और O2 की ओर लगने वाले बल का मान कितना है बच्चों, F2 है, O2 की ओर लगने वाले बल का मान कितना है बच्चों, O2 है, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरी लिख लेना कि मान लो किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, उसके अंदर O1 O2 कोई दो बिंदु है, O1 O2 अक्ष वाले एक लंब वृत्ति बेलन की कल्पना की है, इस बेलन के दोनों फलक वृत्ति होंगे जिसके केंद्र क्या होंगे, O1 और O2, जो चीज हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो चीज हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो चीज हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है, वो चीज हम यहां पर लिख लेते हैं। काल्पनिक बेलन के अंदर द्रव कौन सी स्थिति में है बच्चों, विराम की स्थिति में है, काल्पनिक बेलन के अंदर जो द्रव है बच्चों वो विराम की स्थिति में है, मतलब संतुलन की स्थिति में है। अतः बेलन के बाहर के द्रव द्वारा बेलन पर लगने वाला बल इसके पृष्ठ के लंबवत होंगे, मैंने बताया था पृष्ठ के लंबवत लगेंगे, चूंकि द्रव संतुलन में है, काल्पनिक बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले समस्त बलों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, शून्य के बराबर। इतनी थ्योरी आपको लिख लेनी,
पहले में हमने डायग्राम का थोड़ा वर्णन कर लिया, फिर लगने वाले बलों के बारे में बताया कि वक्र पृष्ठ पर लगने वाले बल कैसे कर रहे हैं, परिमाण में कैसे हो रहा है बच्चों, योगफल उसका शून्य हो रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगने के कारण। अब इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में चलिए अभी हमारे पास में और भी बल लग रहे हैं। किधर बल लग रहा है बच्चों, ठीक है किधर बल लग रहा है हमारे पास में, ओवन, ओवन केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर बल। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर ओवन केंद्र वाले, समझ में आ रहा है ना, वृत्तीय फलक पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, ओवन केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर लगने वाला बल, ठीक है ये बल क्या हो जाएगा हमारे पास में, या फिर वृत्तीय फलक पर लगने वाला बल नहीं, अपन बल को तो मालूम है हम दाब निकालते हैं बच्चों, क्या निकालते हैं हम दाब, दाब, ये दाब हो जाएगा हमारे पास में P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है ये आ जाएगा, इसलिए F1 बराबर बच्चों P1 A आ जाएगा मेरे पास समीकरण नंबर एक। ठीक ऐसे ही बच्चों हम लिखेंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार O2 केंद्र वाले, O2 केंद्र वाले वृत्तीय फलक, O2 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर लगने वाला दाब, लगने वाला दाब ये आ जाएगा बच्चों P2 F2A, P2 क्या हो जाएगा बच्चों F2A हो जाएगा, ठीक है यहां तक हो गया, यहां पर भी लिखेंगे बच्चों, इसलिए F2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों P2A समीकरण नंबर दो। यहां तक की बात समझ में आई, क्या क्या चीजें निकाला बच्चों, सबसे पहले निकाला O2 केंद्र वाले वृत्ति फलक में लगने वाला दाब P1 इज इक्वल टू F1A, F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों P1A, A जो है वो वृत्ति फलक का क्या है क्षेत्रफल है, फिर उसी प्रकार O2 केंद्र वाले वृत्ति फलक पर लगने वाला बल P2 इज इक्वल टू F2A निकल आया, ठीक है ये। अब देखो यहां पर, ठीक है यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं, चूंकि 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 द्रव संतुलन की अवस्था में है, कैसी बच्चों संतुलन की अवस्था में है, अतः द्रव संतुलन की अवस्था में है, अतः अतः ठीक है अतः क्या हो जाएगा जो बल है बच्चों लगने वाला बल है F1 बराबर क्या हो जाएगा F2, लगने वाला बल F1 बराबर F2, F1 P1A बराबर हो जाएगा P2A, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ये A और A कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है A और A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों P2, P1 बराबर क्या आ जाएगा P2, ये दोनों दाब आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर हो जाएंगे, P1 बराबर हो जाएगा किसके P2 के, यही तो बोला गया है, यही तो क्या है पास्कल का नियम है, यहां हम लिख सकते हैं यही पास्कल का नियम है, यही पास्कल का नियम है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पांच अंक का सवाल है, कितने आसान है, ठीक है कितना आसान है, डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा डायग्राम का वर्णन करो, ठीक है ओवन केंद्र वाले वृत्ति फलक पर दाब निकालो वहां से बल मिलेगा, O2 वृत्ति फलक वाले जो फलक है उस पर आप दाब निकालो वहां से आपको F2 मिलेगा, दोनों आपस में बराबर होंगे तो A कैंसिल बच्चों P1 बराबर P2, ये होता है पास्कल का नियम, ठीक है ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से पास्कल के नियम के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पास्कल के नियम का जो उपयोग होता है बच्चों वो कहां होता है अधिकांशतः द्रव चलित लिफ्ट, ठीक है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, इन सब के निर्माण के लिए आदि के निर्माण के लिए क्या करते हैं बच्चों हम जो पास्कल के नियम है उसका अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है लिफ्ट आपने देखा है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये सब हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इन सभी जगहों पर बहुतायत रूप से पास्कल्स के नियम का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, जितने डायग्राम्स आप देख रहे हो, लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट बिल्डिंग्स में रहता है, गाड़ियों में लिफ्ट रहता है, गाड़ियों को उठाने के लिए लिफ्ट रहता है, ट्रॉली उठाने के लिए, किसी तरह का सामान उठाने के लिए, तो इन सब चीजों में हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक, अब थोड़ा सा हम देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कार्य सिद्धांत है वो इस पर बेस है बच्चों कि हम कम बल लगाकर भारी से भारी वस्तु को आसानी के साथ उठा सकते हैं। कम बल लगाकर हम भारी से भारी वस्तु को आसानी के साथ उठा सकते हैं। एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग क्षेत्रफल वाली नलियां हैं। दो अलग अलग नली है बच्चों, दो अलग अलग क्षेत्रफल वाली नली है। एक नली का क्षेत्रफल A1 है और दूसरी नली का क्षेत्रफल A2 है। देखो ध्यान से ये बच्चों, ये जो नली है इसका क्षेत्रफल, ये जो नली है हमारे पास इसका क्षेत्रफल A1 है, ये जो हमारे पास नली बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या है A1 है, और ये बड़ी वाली नली बच्चों इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या है A2 है, ठीक है। ये अब यहां बात आ रही है, आप देख रहे हो A2 जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है A1 से। एरिया किसका बड़ा दिखाई दे रहा है? दोनों नलियों में से, दोनों नलियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं, नीचे एक और नली है उसके द्वारा, मगर A2 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 चौड़ा है, A1 कैसा है बच्चों? सकरा है। यहां पर क्या भरा हुआ? एक लिक्विड डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है बच्चों? अंदर में एक लिक्विड डाल दिया जाता है और एक नली में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। एक नली की ओर क्या किया जा रहा है बच्चों? फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और दूसरी नली के ऊपर में हमने उस वस्तु को रखा है जिसको हमको क्या करना है? लिफ्ट करना है। हमको क्या करना है बच्चों? लिफ्ट करना है, ठीक है। ये तो हम इसका पूरा प्रिंसिपल अभी देखेंगे। पास्कल के नियम पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत भारी वस्तुओं को जैसे कार, जीप आदि को कम बल लगाकर हम ऊपर उठा सकते हैं। इमारत अथवा ब्रिज निर्माण में गार्डर आदि वस्तुओं को उठाकर आवश्यकता अनुसार ऊंचाई पर ले जाने में द्रवचलित लिफ्ट का उपयोग होता है। बिल्कुल, मैं सिंपली अगर आपको समझाऊं बच्चों तो कैसे ये यूज होता है, कैसा इसका उपयोग है। देखो, जो बल किधर लगाएंगे? जो सकरा वाला है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इधर हम बल लगा रहे हैं बच्चों, इधर हम बल लगा रहे हैं F1, क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, तो यहां पर जो दाब आएगा बच्चों P1, उसका मान हो जाएगा, दाब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बल बटा क्षेत्रफल F1/A हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? F1/A यहां पर दाब हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना, ये P1 की वैल्यू। अब ध्यान से सुनिए, ये जो हम दाब आरोपित किए, बल F1 लगाए, कितने एरिया पर? A1 एरिया में। यही दाब, तीर का निशान दिखाई दे रहा है, यही दाब आगे जाएगा बच्चों और किस पर लगेगा? जो दूसरी हमारी नली है उस पर, जो पिस्टन होगा उस पर लगेगा यही दाब। यही सेम दाब कहां पर लगेगा बच्चों? वहां पर लगेगा। तो अगर मैं दूसरे नली पर लगने वाला, ठीक है, बल निकालूं, यहां पर F2 की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूंगा बच्चों मैं? अगर मैं F2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो बल बराबर क्या हो जाएगा? यहां बल बराबर हो जाएगा दाब गुना क्षेत्रफल। तो P1 कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है बच्चों? ये P1 जो है लग रहा है कितने क्षेत्रफल पर? A2 क्षेत्रफल पर। यही दाब आगे बढ़ा जो हमने पहले पिस्टन पर लगाया था और ये इधर दूसरे की ओर आगे गया A2। P1 का अगर आप मान रखेंगे बच्चों F2, E1 का मान क्या है हमारे पास? F1/A1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? F2। ये मेरे पास मान आ जाएगा और यहां से मेरे पास रिलेशनशिप आ रहा है F2/F1, पक्षांतर करने पर किसके बराबर आ रहा है बच्चों? A2/A1 के। F2/F1 बराबर आ रहा है A2/A1 के। अब हमने अभी तो पढ़ा है कौन सा है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा है, A2 बढ़ा है किससे बच्चों? A1 से। तो यहां लिख सकते हो जबकि A2 बढ़ा है A1 से। तुलना करेंगे दोनों पक्ष आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बच्चों F2 बड़ा होगा किससे बच्चों? F1 से। मतलब दूसरे पिस्टन पर जिस पर हमने किसी कार वगैरह को रखा है ऊपर उठाने के लिए, वो बल हमेशा क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। वो बल हमेशा कैसा होगा बच्चों? बड़ा होगा। तो यही पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जहां पर हम कम बल लगाकर, ठीक है, एक तरफ हम कम बल आरोपित करके दूसरे तरफ वाली वस्तु पर अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं और इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम भारी से भारी वस्तुओं को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं बच्चों? उठा सकते हैं, ठीक है, भारी से भारी वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं? हम उठा सकते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम चीज यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है।
और जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक लिफ्ट वर्क करता है वैसी हाइड्रोलिक ब्रेक का भी वर्किंग है, ये आप पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा बच्चों वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब के बारे में। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक एक जैसा है, वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर 300 किलोमीटर के घेरे में, ठीक है 300 किलोमीटर के से अधिक ऊंचाई तक वायु का घेरा है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, धूल है, वाष्प के कण हैं, ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गैसों के मिश्रण है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। मालूम होगा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अदर गैसें जो होती हैं इस वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायु का ये घेरा जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्या होता है, वायु जो रहती है वो क्या करती है बच्चों, दाब आरोपित करती है, और वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट होता है वायुमंडलीय दाब के मात्रक। ठीक है, तो समझेंगे मात्रकों को। पृथ्वी तल पर इसका मान लगभग 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब एटीएम से दिखाते हैं, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, या इसको पास्कल में लिखते हैं 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। वैसे ही ऋतु विज्ञान में दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों, बार होता है। जो ऋतु विज्ञान होता है ना उसमें दाब का मात्रक, ऋतु विज्ञान मौसम विज्ञान में दाब को बार से मापा जाता है, इसमें मात्रक क्या होता है बच्चों, बार होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। तीसरे नंबर में है औषध विज्ञान, औषध विज्ञान औषधि वाला विज्ञान। तो औषध विज्ञान जो होता है बच्चों वहां पर, ठीक है शारीरिक क्रिया विज्ञान में दाब का मात्रक जो होता है वो टोर होता है, इसे टोरिसली के नाम पर रखा गया था। एक टोर बराबर होता है बच्चों 1 mm पारा, और 1 mm पारा दाब वह दाब है जिसे 1 mm ऊंचे पारे के स्तंभ पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास में वायुमंडलीय दाब के भी क्या है बच्चों, मात्रक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। श्यानबल और श्यानता, श्यानबल और श्यानता को समझिएगा। बोलते हैं द्रव की विभिन्न परतों के बीच में, द्रव की जो विभिन्न परतें रहती बच्चों, विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को हम श्यानबल कहते हैं। अब आप बोलोगे सर द्रव की परतों के बीच में कैसे गति का विरोध होता है, द्रव हमेशा देखना कोई भी द्रव हो, चाहे वो पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, ठीक है द्रव जो रहता है बहुत सारी परतों से मिलकर बना रहता है। द्रव की भिन्न भिन्न परतों का बच्चों जो वेग होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो कैसा होता है, अलग अलग। ठीक है, एक परत जो होती है दूसरी परत की गति का क्या करती है, विरोध करती है। तो यही चीज को बोला गया बच्चों द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल परतों की स्पर्श रेखी दिशा में कार्य करता है, श्यान बल जो होता है बच्चों परतों की स्पर्श रेखी दिशा में कार्य करता है। इसका मान भिन्न भिन्न द्रवों के लिए क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है। द्रवों के इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों, हम श्यानता कहते हैं। द्रवों के इस गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। बात समझ में आई, द्रव की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, मतलब एक परत दूसरी परत की गति का विरोध करता है, ये गुण क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। गाढ़े द्रव, गाढ़ा द्रव जैसे शहद है, ग्लिसरीन आदि की तुलना में पतले द्रव पानी दूध की श्यानता क्या होती, कम होती। मतलब द्रव जितना गाढ़ा रहेगा उतना उसकी क्या रहेगी बच्चों, श्यानता होगी। ठीक है, पानी की श्यानता, पानी कैसा होता है, पतला होता है, पानी की श्यानता कम होगी किसकी तुलना में बच्चों, शहद, शहद गाढ़ा होता है, शहद की श्यानता अधिक होगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप दो अलग अलग बच्चों, दो अलग अलग जार में या बर्तन में या गिलास ले लो, ग्लास जो होता है, ठीक है ग्लास ले लो, दो ग्लास ले लो, उन ग्लास में क्या ले लो बच्चों, जो ग्लास का जार रहता है उसमें एक में पानी ले लो, एक में शहद ले लो, फिर उन दोनों को हिलाकर आप छोड़ दो। बात समझ रहे हैं, एक ग्लास में पानी लेना है और एक ग्लास में आपको शहद लेना है, हनी, और उसको अगर आप हिलाकर छोड़ दोगे तो जो पानी होगा बच्चों वो बहुत देर तक क्या रहेगा, इधर उधर हिलते रहेगा, जबकि शहद उसकी तुलना में बहुत ही जल्द रुक जाएगा। शहद जो है उसकी तुलना में क्या हो जाता है, बहुत जल्दी रुक जाता है। क्यों, पानी कैसा है, पतला है, उसकी विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध कम होता है, उसकी श्यानता कम होती है,
इसलिए वो जल्दी नहीं रुकता, वो बहुत देर तक गति करते रहता है क्योंकि उनके परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध कम है। जबकि शहद क्या होता है बच्चों, गाढ़ा होता है, उसकी विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का जो विरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो विरोध कैसा होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत देर तक इधर उधर इधर उधर गति नहीं कर सकता, वो तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। श्यानता के उदाहरण बताया हमने, वायु में हम तेजी से चल सकते हैं किंतु पानी में नहीं, क्योंकि वायु की श्यानता पानी की तुलना में क्या होती है बच्चों, कम। वायु कम श्यान है किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, इसलिए वायु में हम तेजी से चल सकते हैं किंतु पानी में नहीं। वायु की श्यानता के कारण ही बादल के कण धीरे धीरे नीचे गिरते हैं जिससे वे वायु में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने बताया था आपको, यदि एक बीकर में शहद और दूसरे बीकर में पानी लेकर दोनों को हिलाकर छोड़ दें, एक बीकर में क्या रखें बच्चों, बोलता है शहद रखें और एक बीकर में क्या रखें, अगर हम पानी रखें और दोनों को हिलाकर छोड़ दें तो शहद अधिक श्यानता के कारण शीघ्र रुक जाएगा। जो शहद है बच्चों वो अधिक श्यानता के कारण शीघ्र रुक जाता है, जबकि पानी कम श्यानता होने के कारण क्या होता है बच्चों, देरी से रुकता है। ठीक है, पानी जो होता है कम श्यानता होने के कारण देरी से रुकता है। श्यानता की निर्भरता, किसी तरल की श्यानता निम्न बातों पर निर्भर करती है, तरल की प्रकृति पर। किसी तरल की श्यानता उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। मैंने बताया गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक और पतले द्रव की श्यानता कम। अगर द्रव गाढ़ा है जैसे शहद, ग्लिसरीन, ठीक है, शक्कर की चाशनी बनाते हैं ना, वो ये सब क्या होता है बच्चों, गाढ़ा होता है, तो उसकी श्यानता अधिक होगी। और पतले द्रव पानी है, दूध है, इसकी श्यानता कैसी होगी बच्चों, कम होगी। तरल के दाब पर, ठीक है, द्रव की श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है जबकि पानी की श्यानता कुछ वायुमंडलीय दाब पर घटती है। ये सब पॉइंट्स याद रखना। तरल के ताप पर, ताप बढ़ाने पर द्रव के अणु और अधिक गतिशील हो जाते हैं जिससे उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले संसंजक बल घट जाता है, तथा उसकी श्यानता घट जाती है। ये तरल का ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है, द्रव की घटती है। द्रव की श्यानता क्या हो जाती है बच्चों, घटती है। सिंपल से एग्जाम्पल है, आपके घर में मिठाइयां बहुत बनती होगी, शक्कर की चाशनी, जब उस चाशनी को गर्म किया जाता है ना तो चाशनी कैसी होती है मालूम है, पतली होती है, और ठंडी होती है तो क्या हो जाती है बच्चों, गाढ़ी हो जाती है। तो वही है, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, श्यानता बढ़ जाएगी, द्रव गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। ताप कम करने पर, और ताप बढ़ाएंगे फिर से वो पतला हो जाएगा, श्यानता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। श्यानता गुणांक, ठीक है, यहां पर समझिएगा, पहले एक डायग्राम है उसको समझो बच्चों। ये मेरे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम को समझो। PQ एक कोई तल है, यहां पर द्रव की अलग अलग परतें जो है इसके ऊपर गति कर रही है। सबसे पहले बच्चों निचले परत P से स्मॉल x ऊंचाई पर एक द्रव की परत है जिसका नाम AB है, वो गति कर रही है। फिर x+dx ऊंचाई पर एक दूसरी परत है बच्चों जिसका नाम क्या है, b, वो गति कर रही है। वो क्या कर रही है बच्चों, वो गति कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्मॉल x ऊंचाई पर क्या कर रही है, एक परत गति कर रही है। फिर x+dx ऊंचाई पर दूसरी परत b गति कर रही है। तो दोनों परतों के बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चों, डिफरेंस dx हो गया। पहली परत का वेग v है और दूसरी परत का वेग कितना है बच्चों, v+dv। तो वहां पर जो वेग में अंतर आ रहा है वो dv आ रहा है। यहां लिखा है, मान लो कोई द्रव जो है स्थिर क्षैतिज पृष्ठ PQ पर बह रहा है, उसका प्रवाह कैसा है, बोलता है बच्चों धारा रेखीय है। द्रव कई परतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी किसी भी तल पर कोई द्रव का प्रवाह होता है तो सबसे निचले परत का वेग सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वेग बढ़ते जाता है, निचले परत का वेग लगभग जीरो होता है। मान के चलो एक नली में ही बह रहा है द्रव, तो द्रव की तो बहुत सारी परतें हैं, जो सबसे निचला परत होता है बच्चों उसका वेग जो होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो सबसे कम होती है। वो कैसे होती है बच्चों, वो सबसे कम होती है। और जैसे जैसे द्रव के हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे द्रव के परतों के वेग भी क्या होते जाते हैं बच्चों, बढ़ते जाते हैं। तो सबसे ऊपर का परत सबसे अधिक वेग से और द्रव के सबसे नीचे का परत सबसे कम वेग से, ठीक है। ये यहां पर एक छोटी सी परिभाषा है, एकांग दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग परिवर्तन को हम वेग प्रवणता कहते हैं। द्रव की दो परतों के बीच में, ठीक है, प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग में परिवर्तन को हम वेग प्रवणता कहते हैं। न्यूटन के अनुसार किसी बहते द्रव की दो परतों के बीच स्पर्श रेखी दिशा में लगने वाला श्यान बल एफ जो होता है वो परतों के संपर्क तल
कि क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरा बच्चों परतों के बीच वेग प्रवणता अर्थात डीवी अपॉन डीएक्स के अनुक्रमानुपाती होता है प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डीएक्स। अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखें किसको बच्चों, समीकरण एक और समीकरण दो को, क्या करें बच्चों, मिलाकर लिखते हैं इन दोनों को, हम मिलाकर लिखें तो मिलाकर लिखने पर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीवी अपॉन डीएक्स, या हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नेतांक लगाएंगे बच्चों ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। ये जो नेतांक है ना जहां ईटा, इसको बोलते हैं बच्चों ईटा, एक नेतांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, हम श्यानता गुणांक कहते हैं, जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं, ये याद रख, ईटा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हम श्यानता गुणांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोक का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोक का नियम क्या होता है, स्टोक का नियम, टॉपिक्स बहुत सारे हैं यार, देखते हैं अगर आज खत्म नहीं हो पाया तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो एक बार और लेके चलेंगे, पार्ट टू बना देंगे बच्चों, क्योंकि हाँ ये चैप्टर है बहुत बड़ा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टोक का नियम, स्टोक का नियम किसके लिए बना, एक जब गोलाकार वस्तु किसी श्यान ध्रुव में गिरती है उसके लिए हमने स्टोक का नियम बनाया हुआ है, और स्टोक के नियम को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो क्या बोलता है, स्टोक के अनुसार जब आर त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु, मैंने बताया गोलाकार वस्तु के लिए ये नियम बना हुआ है, ये गोलाकार वस्तु है बच्चों जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो बोलता है जब आर त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग वी से गिरती है, नियत वेग वी से गिरती है, तो उस पर गति के विपरीत दिशा में एक श्यान बल एफ कार्य करता है जिसका परिमाण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, एफ इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। एक्चुअल में होता यह है, ये बल जो होता है बच्चों वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बल जो होता है बच्चों वो श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बल जो होता है बच्चों वो द्रव के जो वस्तु के प्रवाह के वेग वी के अनुक्रमानुपाती होती है। तीनों को मिलाकर लिखते हैं तो आर ईटा वी आता है और एक नेतांक लगता है जिसे हम 6 पाई कहते हैं, इसे ही स्टोक का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टोक का नियम। स्टोक के नियम की शर्तें, तरल या द्रव समांगी तथा क्या हो बोलता है बच्चों, श्यान हो, गोलाकार वस्तु का आकार कैसा हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, वस्तु दृढ़ तथा उसका पृष्ठ कैसा हो, चिकना हो, वस्तु का वेग तरल के क्रांतिक वेग से क्या हो बोलता है बच्चों, कम हो, तरल का विस्तार कैसा हो बच्चों, अनंत हो, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टोक का नियम और उसकी शर्तें याद रखिएगा। सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सीमांत वेग किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी श्यान ध्रुव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, श्यान ध्रुव थोड़ा सा अगर आप कल्पना करोगे कोई गाढ़ा ध्रुव है, जैसे शक्कर की चाशनी ही है, शक्कर की चाशनी देखिए गुलाब जामुन वगैरह में रहता है शक्कर की चाशनी, कोई गाढ़ा ध्रुव है, अगर थोड़ा सा कल्पना करना ना, ठीक है, क्या है फिजिक्स में जब तक आप थोड़ा सा कल्पना नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। मान के चलो जो गुलाब जामुन की चाशनी है उसमें वो गुलाब जामुन वाला जो गोला है ना बेटा उसको डाला जाता है, कल्पना करके देखो, तो सबसे पहले जब उस गोले को डाला जाएगा उसमें तो गोले का जो निचला परत रहेगा वो चाशनी के संपर्क में आएगा, फिर धीरे धीरे पहले तो उसका जब ऊपर से गिरेगा हवा में रहेगा उसका वेग ज्यादा रहेगा, नीचे आएगा तब भी उसका वेग ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा चाशनी की परत उसमें लिपटती जाएगी और धीरे 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 करके उसका वेग कम होते जाएगा और कुछ समय पश्चात वो एक नियत औसत वेग से नीचे की ओर गिरने लगेगा, उसी नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी श्यान ध्रुव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम सीमांत वेग कहते हैं, इसे अंत्य वेग भी कहते हैं, अथवा हम लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी श्यान ध्रुव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ते जाता है किंतु कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है, इस नियत वेग को वस्तु का क्या कहते हैं बच्चों, सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग के लिए हम फार्मूला निकाल के दिखाएंगे, चलिएगा, मान लो एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु है, ये एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु है बच्चों जिसकी त्रिज्या r है, जिसके पदार्थ का घनत्व d है, ठीक है,
वस्तु आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस वस्तु की त्रिज्या रेडियस आर, पदार्थ का घनत्व डी, ईटा श्यानता गुणांक वाला तरल है, ये जो तरल है बच्चों उसके श्यानता गुणांक कितना है बोलता है ईटा है, ये जो तरल है उसका श्यानता गुणांक कितना है बोलता है बच्चों ईटा है, ठीक है, ये जो तरल है ये नीले रंग का दिख रहा है वो तरल है, इसका श्यानता गुणांक कितना है बच्चों ईटा है, ठीक है ईटा है, श्यानता श्यानता ईटा, हाँ क्या लिखा है, ईटा श्यानता गुणांक वाले तरल में जिसका घनत्व कितना है, तरल का घनत्व, वस्तु पदार्थ का घनत्व डी है, तरल का घनत्व सिग्मा है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है बच्चों, तब वस्तु पर तीन बल कार्य करते हैं बोलता है, ये जो वस्तु जो गिर रही है ना इस वस्तु पर कितने बल कार्य करते हैं जी, तीन बल कार्य करते हैं, कौन कौन से तीन बल कार्य करते हैं देखिएगा वन बाय वन, सबसे पहले है बच्चों यहां पास में हमारे पास में सीमांत वेग, क्या है बच्चों हमारे पास में, एक मिनट रुकिएगा ना, ठीक, तीन चीजें कार्य कर रही, कितने बल कार्य कर रहे हैं बच्चों तीन, वस्तु का भार नीचे की ओर, श्यान बल ऊपर की ओर, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को तैरने में मदद करता है वो, तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे बच्चों वस्तु का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, हम सारे मान निकालते हैं, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बच्चों वस्तु का भार, वस्तु का भार, वस्तु का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ये हमेशा याद रखा करो गुरुत्वीय त्वरण, फिर बच्चों द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं हम आयतन, ये मैं इसको लिखूंगा बच्चों आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व गुना गुरुत्वीय त्वरण को मैं जी से, अब इसकी त्रिज्या r है बच्चों, तो गोलाकार वस्तु का आयतन 4/3 पाई r हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व कितना है d, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है बच्चों g, तो 4/3 पाई r क्यूब dg, ये हमारे पास वस्तु का भार आ जाएगा, ठीक है ये वस्तु का भार हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे बच्चों हम उत्प्लावन बल, क्या देखेंगे बच्चों उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल दूसरे नंबर में, तो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को तैरने में मदद करता है वो उत्प्लावन बल होता है, और उत्प्लावन बल, ठीक है ये उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, ठीक है हटाए गए, हटाए गए द्रव के भार के कैसे होगा बच्चों तुल्य होगा, द्रव के भार के तुल्य होगा उत्प्लावन बल, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होगा बच्चों तुल्य होगा, ठीक है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होगा, ये चीज, ये भार भी हम वैसे ही निकालेंगे बच्चों, बस अंतर ये रहेगा 4/3 पाई आर का क्यूब, अंतर ये हो जाएगा यहां पास में कि द्रव का जो घनत्व वो सिग्मा आएगा, तो सिग्मा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा, ये दूसरा हो गया, तीसरा बल जो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है बच्चों श्यान बल, कौन सा बल बच्चों श्यान बल, ठीक है वस्तु का भार को W से लिखना, उत्प्लावन बल को आप U से लिखना, श्यान बल को आप F से लिखना, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, ये आ जाएगा हमारे पास, बात समझ में आई, तीन बल मैंने तीनों बलों का मान निकाल लिया, वस्तु का भार नीचे की ओर, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, श्यान बल ऊपर की ओर, तीनों का मान निकल आया, अब यहां पर समझिएगा बोलते हैं संतुलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में बोलते हैं बच्चों संतुलन की स्थिति में, भार नीचे कार्य कर रहा है W, ऊपर की ओर श्यान बल F और उत्प्लावन बल U, ठीक है ये कार्य कर रहे हैं, आप वैल्यू पुट करना बच्चों W की वैल्यू 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब dz इज इक्वल टू F, ठीक है F, F क्या हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है ये हो जाएगा उत्प्लावन बल U बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये हो जाएगा, हम पक्षांतर कर सकते हैं, इधर पक्षांतर कर लेना बच्चों आप, एक तरफ आप 6 पाई ईटा आर वी को रखना और दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर लेना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर का क्यूब डी जी माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब सिग्मा जी, कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकाल लो भाई, क्या कॉमन निकलेगा, इधर तो अभी कुछ मत करना 6 पाई ईटा आर वी ही रखना, इधर आपका 4/3 पाई आर का क्यूब जी कॉमन निकलेगा, डी माइनस क्या बचेगा बच्चों सिग्मा, अब
यहां पर, इसको मैं एक बार फिर से मैं दूसरे पेज में लिखता हूं ना, क्या आ रहा है मेरे पास, एक तरफ 6 पाई ईटा आर वी आ रहा है, दूसरे तरफ 4 बटा 3 पाई आर क्यूब जी डी माइनस आ रहा है बच्चों सिग्मा। अब जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करा लो भाई, पाई पाई से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, आर जो है बच्चों वो आर से कैंसिल, एक एक आर जी, और कुछ नहीं हो रहा है ना, ठीक है। ये कर सकते हैं, दो तिया दो दुनी चार। अब पक्षांतर करना, वी बस को रखना लेफ्ट साइड में, तीन इधर आएगा, दो बटा कितना हो जाएगा नौ, ठीक है, दो बटा नौ। ये बचा है बच्चों हमारे पास में आर का स्क्वायर जी डी माइनस सिग्मा, और इधर कितना और बच गया है, तीन को तो कर दिए, ईटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ईटा अपॉन क्या हो जाएगा, ईटा। तो ये होता है सीमांत वेग के लिए व्यंजक, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान से कर सकते हैं। v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास में, 2 बाई 9 आर स्क्वायर जी डी माइनस सिग्मा अपॉन कितना आ गया बच्चों, ईटा, डी माइनस सिग्मा अपॉन क्या आ गया हमारे पास में, ईटा। यह सीमांत वेग के लिए क्या है बच्चों, व्यंजक है, यह सीमांत वेग का व्यंजक है, व्यंजक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं व्यंजक, ठीक है, ये जी सीमांत वेग के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बादल का बनना, पैराशूट की सहायता से सैनिक का, देखिए आपने सैनिक जो होता है पैराशूट की सहायता से नीचे की ओर क्या होते रहते हैं बच्चों, उतरते रहते हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो। देखो आज तो हमारा समय बहुत ज़्यादा हो चुका है बच्चों, ठीक है, अब इसके बाद में और भी मेरे पास टॉपिक्स हैं, बर्नौली का प्रमेय है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो रेनॉल्ड का रेनॉल्ड संख्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं और पार्ट लेकर आऊँगा बच्चों तरलों के यांत्रिक गुण का, वहाँ पर आपको फिर से आपको मैं बताऊँगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो गया, ठीक है, तो बाकी टॉपिक्स भी करेंगे बहुत जल्द लेकर आएंगे बच्चों आप सबके लिए और क्लास, उसमें हम बहुत सारे हमारे टॉपिक्स आज के बच गए हैं, पृष्ठ तनाव वगैरह पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अभी बच गई है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा। तो आज तो यही बोलना चाहूंगा कि इसी तरह की क्लासेस के लिए और भी वन शॉट क्लासेस के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। साथ ही साथ बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है गोपाल सर फिजिक्स, क्योंकि यहां पर हम आफ्टर क्लासेस आपको क्लास की पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्लास की नोटिफिकेशन देते हैं और भी बहुत सारी जानकारियां शेयर करते हैं। लिंक मिलेगा इसको, इसका आपको बच्चों इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन करके रखना बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की यह क्लास देखने के लिए, फिर मिलते हैं बच्चों एक नए क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ, थैंक यू।